देख सकते हो, वाओ गाइज देख सकते हो। और यहाँ पे देखो फास्ट चार्जर भी लिख रहा है, कर सकते हो देख सकते हो, रेड कलर का एलईडी ग्लो कर रहा है, तो आप कोई सा भी इसे चार्ज कर सकते हो। तो हेलो आउट फैमिली, कैसे हो आप सभी? तो आशा करता हूं सब बढ़िया होते हो। मैं विशाल और स्वागत है आपका बीके विशाल एक्सपेरिमेंट YouTube चैनल में। गाइस आज की जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाले है। जी हां गाइस, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मस्त सा छोटा पावरफुल पावर बैंक विद टॉर्च। जी हां गाइस, इसे आप 2-in-1 भी बोल सकते हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो देख सकते हो इसे आप बगली में भी रख सकते हो। ये हमने बनाया, इसका कलर कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, आप कहां से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना। चल चलते इस वीडियो के अंदर, देखते हैं इसका प्रोफाइल मेकिंग वीडियो इसे कैसे कैसे बनाते हैं। तो फिर चलिए, तो स्वागत है आपका भिक्के विशाल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए गाइस, वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमको लेना होगा कुछ पीवीसी का शीट, देख सकते हो यहाँ पे हमने कट कर लिया है। और यहाँ पे देखो गाइस, हमने 4 पीसेस कट कर लिया, 2 पीसेस मेरा गिर गया नीचे, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो चलिए पहले इसका डायमीटर दिखाता हूँ, और वो मुझे गिरा नहीं है, मतलब गुम हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 12 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे 2 पीस कट कर लिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो तो 4 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर का हमने 2 पीस कट कर लिया है। ये आधा सेंटीमीटर मतलब कम है, देख सकते हो, वरना इसका जो लंबाई है सेम है। इसका इधर वाला जो 2 ठोहर था वो हमारा गुम हो चुका है, उससे कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं काट लूँगा। तो चलिए पहले इसका फटाफट से एक बॉक्स बनाते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पे हमने तो एक बॉक्स बना के तैयार कर दिया, देख सकते हो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त रहा है। और बीच में हमने हल्का हल्का पीवीसी पाइप जो हम काटते हैं उसका बुरादा देख सकते हो लगा दिए चारों तरफ, ताकि ये पूरा मजबूती से चिपक जाए। अंदर है तो बुझाएगा नहीं, और ऊपर से हम घिस देंगे तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने लगेगा। और इसके बाद इसको तोप देंगे तो साफ भी नहीं लोकेगा भीतर का सामान। उसके बाद गाइस इसको हटाते हैं, और गाइस हम लेंगे यहाँ पे देख सकते हो लिथियम आयन बैटरी, 2 में हमने वायर जोड़ा है, 2 पूरा नया है देख सकते हो गाइस। तो हमारे पास 2 पुराना था, 2 नया है, ये भी नया है मतलब एक ही बार हमने यूज किया था। तो चलिए अब फटाफट से हम इस सबको एक पैलर में जोड़ते हैं, सबका नेगेटिव साइड और सबका जो पॉजिटिव है एक साइड करते हैं गाइस। उसके बाद हमको इसमें क्या करना होगा, ग्लू गन से हमको बढ़िया से इसमें फिल करके चिपका देना हो। तो चलिए फटाफट से इसको चिपका देता हूँ, इसमें देखो ग्लू गन कम हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पेंसिल लो और आपका और ग्लू कम हो गया, इसको इस तरह से धो के और इसमें दबा दो कुछ इस तरह से। देखो गाइस काफ़ी मस्त तरीके से इसमें से ग्लू जो है वो निकल जाएगा, तो आप भी ट्राई करो इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद से गाइस इसमें ग्लू लगा दो, देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से ये हो जाता है। उसके बाद से निकालते रहो, तो चलो फटाफट से दोनों में चिपका देता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पे दो चारों बगल हमने बढ़िया से लगा के ग्लू चिपका दिया देख सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पे वायरिंग करना होगा हमको, इसको इसमें और इसको इसमें लगाना होगा, और इसको दोनों को इस तरह से चिपका देना होगा। तो इस पूरा चारों को एक में और इस चारों को एक में हमको सोल्डिंग करना हो। चलिए फटाफट से कर देते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे देखो हमने कनेक्शन कर लिया है देख सकते हो, और कनेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबका प्लस एक जगह और सबका माइनस एक जगह। यहाँ पे देखो हमने 2 वायर निकाल दिया, ये हो गया हरा कलर वाला प्लस का, और ये जो ब्लू है वो माइनस हो गया। उसके बाद गाइस हमको क्या करना होगा, लेना होगा चार्जिंग मॉड्यूल, और साथ में इसमें है पावर बैंक मॉड्यूल देख सकते हो। यहाँ से चार्ज कर सकते हो, यहाँ से मोबाइल चार्ज कर सकते हो, इसको यहाँ से चार्ज करोगे, इसको यहाँ से। और एक बैटरी यहाँ पर देखो तो 2000 mAh का है देख सकते हो, तो यहाँ पर 4 बैटरी यानी कि 8000 mAh का है, समझ सकते हो गाइज काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है। इसको गाइज क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस और प्लस है देख सकते हो, यहाँ पे माइनस बी और माइनस प्लस, इसी को हमको दोनों बैटरी में कनेक्शन कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ से 2 हमको और निकालना होगा वायर, और इधर से हमको निकाल देना होगा। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं कनेक्शन पहले। तो गाइस यहाँ पे देखो कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ से हमको 2 और निकालना होगा वायर, और डायरेक्ट हमको यहाँ से निकाल देना होगा। तो चलिए फटाफट से निकालते, वो किस लिए निकालेंगे अब आपको थोड़ा दिन में पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखो कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लगाएंगे एक स्विच
देख सकते हो ये वाला स्विच टिकटॉक वाला है, देख सकते हो उसके यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद इसके आगे लगाएंगे गाइज ये वाला हम टॉर्च देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसका कनेक्शन करते हैं, उसके बाद इसको डिब्बा में पैक करते हैं फटाफट से। तो आप वीडियो में बने रहो। तो गाइज यार यहाँ पे देखो हमने कनेक्शन कर दिया काफी मस्त तरीका से। उसके बाद गाइज इसमें हमको कनेक्शन करना होगा माइनस और प्लस, यहाँ पे देख सकते हो गाइज देख लो बढ़िया से आपको माइनस प्लस लुक रहा होगा। इसमें आपको फटाफट से कनेक्शन कर देना हो, चलिए फटाफट से इसमें कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे देखो कनेक्शन पूरा हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे हमने लगाया एक डायोड IN4007 का, देख सकते हो एक हमने डायोड लगाया है और ये काफी मस्त तरीका से ग्लो कर रहा है देख सकते हैं। अब इसको क्या करना, हमको बॉक्स में पैक करना होगा। तो यहाँ पे देखो हमने बॉक्स लिया, उससे पहले हमको यहाँ पे एक होल करना होगा देख सकते हो स्विच के लिए। उसके बाद गाइज यहाँ पे लेना होगा दो हमको छोटा छोटा पीवीसी शीट जो कि कुछ इधर और एक इधर लग जाए एक हमको, और दोनों में हमको फटाफट से होल करना होगा। तो होल करने के देख सकते यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है और यहाँ पे भी हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे लग जाएगा मेरा जो टॉर्च है ये वाला और यहाँ पे लग जाएगा मेरा पावर बैंक वाला। तो चलिए फटाफट से दोनों में हम होल करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे देखो दोनों में हमने होल कर दिया और चलिए फटाफट से इसको फिनिशिंग देते हैं सरस कागज से घिस के। उसके बाद चलिए गाइस फटाफट से इस सबको हम ग्लू गन से बढ़िया से चिपका देते हैं। तो आप तक वीडियो में बने रहो। तो गाइस यहाँ पे देखो बन के तैयार हो चुका और यहाँ पे हम फेविक्रिल से सट दिए और चलिए हल्का हल्का देख सकते हैं यहाँ पे जो कोरा इकला इसको हमको घिसना होगा और इसको पेंट करेंगे। यहाँ पे देखो हमने घिस दिया थोड़ा थोड़ा, तो इसको फिनिशिंग अभी देना है। चलिए फटाफट से घिस देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसे हम घिसने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो गाइस यहाँ पे देखो हमने घिस घिस के तो थोड़ा सा फिनिशिंग दे दिया। अब हमको क्या करना होगा इसके पूरा चिकन करने के लिए, यहाँ पे लेंगे सरस कागज और इस पर हम बढ़िया से इस तरह से घिस के और भी फिनिशिंग दे देंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो गाजर यहाँ पे देखो इसको हमने फिनिशिंग करके ला दिया, देख सकते हो देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, लग रहा है बिल्कुल मार्केट से कोई यूनिक सामने पावर बैंक खरीदा है और उसमें एक लाइट भी दिया हुआ है देख सकते हो। चलिए फटाफट से इसको आप पेंट करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसको चार्जिंग करके दिखाएंगे, इससे आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाएंगे, लाइट मार के दिखाएंगे, सब कॉक्रोच दिखाएंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहो। तो गाइस यार यहाँ पे देखो हमने पेंट करके ला दिया और देख सकते हो देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। यहाँ पे हमने किया है देख सकते हो पीला कलर के और आरी पारी हमने किया है ब्लैक कलर के, देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। कलर कम्युनिकेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना गाइस। चलिए फटाफट से अब इसको चेक करते हैं और आपको दिखलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंगे एक चार्जर और इसको पहले चेक करके दिखाएंगे, फिर इससे हम मोबाइल चार्ज करके आपको दिखलाएंगे, लाइट वर्क दिखाएंगे, पूरा चेक करके दिखाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि हमारे चैनल पर इसी टाइप का मस्त मस्त प्रोजेक्ट मेकिंग का वीडियो आता है और आता ही रहेगा। वरना आप बोलेगा भाई विशाल भाई कि आपका वीडियो कब आया मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए बोलता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस यहाँ पे देखो हमने ले लिया एक चार्जर और जैसे इसको यहाँ पे लगाएंगे वो आओगा, यहाँ पे देखो रेड कलर का LED है, ग्लो कर रहा है मतलब ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब गाइस ये चार्ज हो रहा है, जब ब्लिंक करना बंद हो जाएगा तो समझना कि पूरा फुल चार्ज हो गया। उससे उसके बाद गाइस इसको हम चार्ज करके मोबाइल चार्ज करके इससे दिखाएंगे। उससे पहले मैं चलिए लाइट बार के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो गाइस
अभी आपको नहीं लुक रहा होगा, देख सकते हो। चलिए लाइट बंद करते हैं। ये देखो गाइस, देख सकते हो काफ़ी मस्त ये लाइट कर रहा है, देख सकते हो काफ़ी एंजॉय कर रहा है। मैं अभी स्टूडियो का एक ही लाइट मतलब सब लाइट नहीं बंद किया हूँ, ये मोबाइल का फ्लैश लाइट जल रहा है, देख सकते हो इसको यहाँ पर, तो उससे ये जल रहा है, देख सकते हो काफ़ी मस्त ये लाइट कर रहा है। चलिए अब मैं अब इसको चलिए पहले इसको निकाल देता हूँ, अब आपको बार के दिखाता हूँ, देख सकते हो, वरना आप बोलो कि ये डायरेक्ट बैटरी से नहीं चल रहा है। अब चलिए इससे हम मोबाइल चार्ज करके आपको दिखलाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो हमने एक मोबाइल ले लिया है, अब चलिए इसको हम दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरह से इसमें पहले लगाएंगे, उसके बाद गाइस इसको यहाँ पे देखो गाइस चार्ज में लगा रहा हूँ, सब वायर एक ही जगह कर रहा हूँ, वरना आप बोलोगे कि किसी और चार्जर से आप चार्ज कर रहे हो। तो देख सकते हो वाओ गाइस, देख सकते हो, और यहाँ पे देखो फास्ट चार्जर भी लिख रहा है, देख सकते हो। तो काफ़ी मस्त तरीके से ये चार्ज हो रहा है, इसे और भी कुछ आप चार्ज कर सकते हो। चलिए मैं आपको करके दिखलाता हूँ। तो गज मेरे पास है ये, देख सकते हो एक फैन हमने बनाया था वो वाला है, इसको भी आराम से इसको चार्ज कर सकते हो, देख सकते हो रेड कलर का LED ग्लो कर रहा है। तो आप कोई सा भी इसे चार्ज कर सकते हो 5 वोल्ट में, और इसे काफ़ी मस्त तरीके से यूज ले सकते हो। चलिए चलते आउटडोर और इसको हम चेक करके आपको दिखलाते हैं इसका लाइट कितना ऑनजोर कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखो हमें आ चुके हैं आउटडोर, और यहाँ पे फ्लैश लाइट बारे हैं अपने मोबाइल का। चलिए अब इसको लाइट पार के देखते हैं। युवाओ का जी ये देखो काफ़ी ज़्यादा लाइट कर रहा है, देख सकते हो आप अंधारा में इसे आराम से जा सकते हो, देख सकते हो काफ़ी मस्तम लाइट मस्त कर रहा है। देखो आप भाई अंधारा है पूरा, उसके बाद देखो गाइस काफी मस्त तरीके से ये लाइट दे रहा है। तो गाइस यार आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पावर बैंक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी टाइप का मस्त मस्त वीडियो आता है और आता ही रहेगा। चैनल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू दोस्तों।